तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे के खिलाफ शिकायत करने पर रिटायर्ड फौजी को मिली जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोज़र चलने की गर्जना से जहां एक और बाहुबलियों व बदमाशों के हौसले पस्त है, वहीं कुछ असामाजिक तत्व सरकारी जमीन पर कब्जा तथा अतिक्रमण कर मदरसा बना अवैध निर्माण व मुफ्त बिजली का आनंद ले रहे हैं। जब ग्रामीण व क्षेत्रवासियों ने इसके खिलाफ तहसील प्रशासन को शिकायत की तो शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरा घटनाक्रम ग्राम सारा थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद का है, जहां पर ईदगाह के सामने तालाब की जगह को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमा कर मदरसा चलाया जा रहा है। जब स्थानीय निवासी रिटायर्ड फौजी धीरेन्द्र पुत्र रामनिवास ने इसका विरोध किया तो उसको शिकायत के विरुद्ध अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके बाबत उसने थाना निवाड़ी ACP मोदीनगर व SDM कार्यालय से संपर्क कर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। शिकायत के लगभग 20 माह बीत जाने के बाद भी केवल आश्वासन ही मिला। मामले में कोर्ट ने आदेश के बाद घवस्तीकरण व जुर्माने के आदेश की प्रति ईदगाह की बिल्डिंग पर चश्मा तो की गई, परंतु न तो जुर्माने की रकम ही वसूली गई न ही घवस्तीकरण की कार्यवाही की गई, जिसके चलते रिटायर्ड फौजी धीरेन्द्र व उसका परिवार बार बार दूसरे पक्ष से धमकियां व तिरस्कार झेलता आ रहा है। इसके बाद आज देवेंद्र ने ग्रामीणों के साथ एकत्रित होकर SDM कार्यालय का घेराव किया। उनके साथ हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष व बजरंग दल के लोगों ने भी SDM से मामले में तुरंत घवस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की और चेताया कि अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू महासभा व बजरंग दल के लोग वहां पर अपना जमावड़ा कर हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस पर SDM संतोष राय ने एक हफ्ते के अंदर मौके पर तहसीलदार को भेजकर निष्पक्ष जांच व कार्यवाही करने का आश्वासन देकर उसमें नोटिस भी लग गया तोड़ने के लिए, तो उसमें क्या समस्या आ रही है? आज के समय में महाराज जी के शासन में भी अगर हम इस चीज के लिए डरेंगे कार्रवाई के लिए तो कैसे काम चलेगा? जिसके खिलाफ आदेश हुआ उसमें उन्हीं के कोर्ट में दे रखा है, इस आशय का पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र में स्पेशल फिक्शन दे रखा है कि हमको सुना नहीं गया है, उसको सुन के फिर हमें आदेश पारित किया है। उसी क्रम में तहसीलदार साहब ने डेट लगाई है गांव में ही कि हम वहीं जाके सुनेंगे, वहीं निस्तारण करेंगे, जिससे कि शीघ्र निस्तारण हो सके। मेरी इस पर कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सर मेरा लगा हुआ है, मैं वहीं लगा के वहीं निस्तारण करें। नहीं, उस पर पहले नोट आपने लगा दिया, शायद आपने लगाया हुआ, जांच करने के बाद नोट लगाया हुआ है ना, उसके बाद में फिर आपने 3 दिन का टाइम दिया था। तहसीलदार साहब ने मुझसे कहा है कि ये वहाँ पे लगाए नहीं गए, जब ये नोटिस वहाँ पे चिपकाए जा रहे थे सर, मेरे पास में बाकायदा उसको पहले कमेटी में दिखाई है और उसको ये कह देना कि वहाँ उनको मिला नहीं है। ये इससे पहले भी एक अगर आपके कोर्ट में कोई मुकदमा होगा सर, मैं कोर्ट के मुकदमे मैं 6 अप्रैल 2022 से चक्कर लगा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 महीने हो गए, जिसके लिए पहले जो SDM मैडम थी उन्होंने मुझसे बोला कि शर्मा जी लिख के कोई नहीं देता है, कोई मरने को तैयार नहीं। मैं मरने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जिस परिस्थिति में मैं रह रहा हूँ। आपने उस दिन देखा भी था, 16 अगस्त को गए थे, पूरे मोहल्ले में मेरा एक अकेले का घर है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 64 साल मेरी उम्र हो रही है, मगर मेरी वाइफ रहती है वहाँ पे, मेरी बेटी BBC न्यूज में है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ मीडिया में जाए। और अभी 20 महीने तक मैं शांति से सर कभी आपसे भी मिला, ACP साहब से मिला, तहसीलदार साहब से मिला और शांति से मैं घर चला जाता था। जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को बेवकूफ़ बना जा रहा है, कारण क्या है कि उस पर जो खसरा नंबर है 659 को 695 लिख देते हैं, तो पहले तहसीलदार साहब ने गड़बड़ की, वो मैंने रेक्टिफाई कराया, उससे दोबारा जाने के लिए 1 साल लग गया सर, दूसरे को मतलब 695 को वापस 659 होने के लिए 1 साल लग जाता है। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, बेहतर उनको हम आइदर किसी भी वे में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे कन्हैया लाल बनाया जा रहा है सर। नहीं, मुझे लग रहा है सर, मुझे लग रहा है सर, आप और प्रचार क्या कर सकती है सर? जो साहब बोलते हैं शर्मा जी एक कॉल पे हम अवेलेबल है, निवाड़ी थाने से मेरे घर आने में अगर कम्प्लीटली फुल, ये भी इंस्पेक्टर साहब भी जानते होंगे,
20 मिनट से कम नहीं लगेंगे, एक इंसान के लिए 2 मिनट लगता अभी हो गया ना वहां पे जो हुआ कंडक्टर के साथ में, उससे पहले कभी। सर मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं प्रशासन को ये जगा रहा हूँ कि ग्राम सभा ये भी तो प्रशासन की ही जगह है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहा हूँ कि हम कहाँ रहेंगे फिर। तालाब खाली कराना हमारा दायित्व है और मैंने चंदा साहब से बात की है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उन्होंने मुझे बताया सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे रखा है। कब दिया सर, कब दिया? आप भी जान रहे हैं किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार शर्मा। अभी आप शर्मा जी तहसील परिसर पहुँचे, किस लिए पहुँचे? हम इसलिए पहुँचे जी एक तालाब पे कब्जा किया हुआ है अनऑथराइज मदरसा बना के। किसका बना हुआ? ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और पिछले 20 महीने से 6 अप्रैल से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ अकेला। और क्योंकि मैं फौजी हूँ रिटायर्ड, तो मैं इस चीज़ को पहले ये लेके चल रहा था कि एक जातिवादी या किसी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में ना जाए, ये प्रॉपर एक जितने भी हमारे कानून हैं उनके हिसाब से हो जाए। लेकिन पिछले 20 महीने से कोई भी एक्शन नहीं होता है। मेरे पास में आज तक तहसीलदार साहब भी नहीं गए हैं, एसडीएम साहब से मैं मिला हूँ 3-4 बार, वो एक दिन गए वहाँ पे, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आप इसे वर्बल से इसको खाली कर दो। तहसीलदार साहब के वहाँ से जब मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा तो एक नोटिस चिपकाया गया, 1,93,000 की रिकवरी के लिए बोला गया, लेकिन एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है और अभी भी मदरसा बादस्तूर जारी है। उसमें वो गाय वो भैंस वगैरह काट के खाल डाली गई थी एक बार, पिछली बार उन्होंने वहाँ पे उसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है जिसकी जो मैंने सब इंस्पेक्टर थे हितेश उनको दी थी निवाड़ी थाने के, उन्होंने मेरे को बोला था कि 5 मिनट रुक जाओ वहाँ जीना, इन्होंने बेसिकली हराम कर रखा है। किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं कि भाग जाएं। मैंने वो भी इनके मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा है कि एक हिंदू परिवार है, इसको किसी भी तरह से यहाँ से भगाया जाए। जिलाधिकारी या तहसीलदार से आपकी किसी तरह की कोई बात हुई? मेरी डीएम साहब तक से बात हो चुकी है, उन्होंने मेरे को कई बार एश्योर करा दिया है कि हम इसको हटवाएंगे, लेकिन पिछले 20 महीने से कुछ नहीं हो रहा और मेरी जान का खतरा लगातार बना हुआ है। धमकी है जब वो मेरे सामने इतना बोल देते हैं कि पड़ी लकड़ी उठा रहा है, अकेला हिंदू है, सबकी इसने नाक में दम कर रखा है। किसने बोला ये है? वहाँ पे जो लोग हैं उनकी मैंने नाम भी दिए हुए हैं पुलिस विभाग में, सबकी रिपोर्ट कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछली बार भी मैंने एक मैसेज इनका वीडियो भेजा था तो मेरे को वहाँ थाना अध्यक्ष ने बोला कि पहले आप राइटिंग में, तो मैंने कहा मैं वीडियो भेज रहा हूँ, अगर अभी आप आओगे तभी तो आपको साक्ष्य मिलेंगे, बाद में क्या होगा? वो भाग जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ तालाब की जमीन खाली हो, उसको यथास्थिति में बचाया जाए तालाब को। मामला है कब्जे को लेकर, दूसरे समुदाय का आरोप है कि ये तालाब कब्जा रखा है और समय समय पर जो है इसमें धमकियां दी जा रही है, क्या है सर? इसके बाबत मेरे द्वारा तहसीलदार मोदी नगर से जानकारी प्राप्त की गई, उनके द्वारा बताया गया कि इससे संबंध में एक उनके न्यायालय मुकदमा चला, उसमें उनके द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। बेदखली का आदेश का जब कंप्लायंस के लिए जब टीम गई तो वहां बताया गया कि महोदय हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनके द्वारा इस बाबत इस आदेश के विरुद्ध उसी न्यायालय में पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। तो तहसीलदार मोदी नगर द्वारा मुझे बताया गया कि इसमें मौके पर ही जाके प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा और इसमें दोनों पक्षों को सुन के मौके पर निस्तारण किया जाएगा, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायतकर्ता जो है उनका आरोप है कि पिछले 1.5 साल से करीब जो है वो इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रशासन उसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहा है, इस कारण से अभी कुछ नहीं किया गया है, अभी भी पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र लंबित है और तहसीलदार द्वारा मुझे बताया गया है कि आगामी हफ्ते में है मौके पर जाके इसका निस्तारण किया जाएगा। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उसको समय समय पर धमकी दी जा रही है दूसरा समुदाय है उसके द्वारा, इसके लिए पुलिस को लोकल पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और ऐसी कोई बात ना हो जिससे कोई अप्रिय घटना घटित हो।